साथियों नमस्कार, ग्लोबल गेम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक क्वेश्चन में दिखा रही हूँ, इन क्वेश्चन को पहले देखिए। रूट सात प्लस रूट पांच बटा रूट सात माइनस रूट पांच बराबर क्या होगा, इसका दो सेकंड में आप आंसर करेंगे। दूसरा सवाल देखिए, रूट पांच माइनस रूट तीन बटा रूट पांच प्लस रूट तीन, इस तरीके का सवाल आप कई एक बार देख रहे होंगे और इसका हम आंसर कैसे फाइंड करें, ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है। कई सारे लोग बहुत आसान ट्रिक के माध्यम से अगर इस सवाल को नहीं हल कर पाएंगे उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, पहले देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, आप गेस कीजिए। रूट सात प्लस रूट पांच, रूट सात माइनस रूट पांच, सात और पांच का अंतर दो का है। यहाँ देखिए दूसरा सवाल, रूट पांच माइनस रूट तीन, रूट पांच प्लस रूट तीन, अंतर कितना का दिख रहा है, दो का दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे बता रही हूँ आपको, ये रूट सात और रूट पांच में दो का अंतर, रूट पांच और रूट तीन में दो का अंतर, ये फॉर्मूलाज और ये ट्रिक उस पर ही लागू होगा जिसका अंतर दो का हो। तो सात और पांच कितना होगा, बारह, तो बारह का आधा कितना होगा, छह। पहले ये दोनों को जोड़ना है, सात और पांच बारह, बारह का आधा छह लिखना है। उसके बाद नीचे वाले से हमें कोई लेना देना नहीं, नीचे में क्या साइन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें साइन ऊपर वाले साइन को हमेशा देखना है। तो ऊपर में हमारा साइन क्या है, वो प्लस का साइन है, हम प्लस लिख दिए। अब क्या करना है, दोनों को गुणा करना है, तो सात पचे पैंतीस, तो दोनों को गुणा करके और उसको रूट में लिख देना है। तो चलिए, सात पचे पैंतीस, पैंतीस हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, रूट पांच और रूट तीन बटा रूट पांच प्लस रूट तीन, तो पांच और तीन को जोड़ेंगे तो कितना होगा, आठ, आठ का आधा चार। चलिए हम चार लिखते हैं, बस यहाँ माइनस देंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर में माइनस का साइन है। हम हर में कुछ नहीं लिखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी काम करना है वो अंश में ही हो जाएगा, हर का कोई जरूरत नहीं है। तो पांच और तीन आठ, आठ का आधा चार, ऊपर में साइन है माइनस, तो हम यहाँ माइनस लिख दिए। अब गुणा कर देंगे, पांच तिहाई पंद्रह, तो उसको रूट में लिख देंगे, पांच तिहाई पंद्रह। हर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, आंसर इज हियर। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आप जितने भी बुक में होगा जरूर बना लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही, हमारा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।